हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल मारो लाइट में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैरेम नाटी का न्यू वीडियो कब आने वाला है, राहुल वैद्य कैरेम नाटी को क्या रिप्लाई किए एंड निनोंग एरिंग पारस के बारे में क्या कहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कैरेम नाटी के बारे में। कैरेम नाटी ने बिग बॉस को रोस्ट करते हुए अपने यूट्यूब चैनल में एक वीडियो अपलोड किया था एंड उस वीडियो में कैरेम नाटी ने राहुल वैद्य को भी रोस्ट किया था। ये हमेशा ऐसी थूत बना के रखता है जैसे बाप अपने बच्चे को खेलते हुए देख रहा हो। अबे इतनी पल के भीचे का लंड से ज्यादा माथे पे नसें आ जाएंगी। अक्षय कुमारी देख लो, ये बिग बॉस का बैक बेंचर है। गाना वाना आता, पढ़ाई नहीं होती बेंच। एनीवे कांग्रेचुलेशंस आप तीनों को। राहुल जी सर, राउंड खत्म नहीं हुआ था हमारी तरफ से। सिर्फ आपसे यही कंफर्म करना था कि आप कोशिश भी नहीं करना चाहते थे ना? सर नहीं, कोशिश मैं बिल्कुल कर। बैक बेंचर काम शून्य बहाने 50। इसी कैरेम नाटी के वीडियो के ऊपर रिप्लाई करते हुए राहुल वैद्य अपने इंस्टाग्राम में कुछ स्टोरीज पोस्ट किए, तो चलिए मैं आपको स्टोरी प्ले करके दिखा देता हूँ। कुछ लोगों का नाम अपने काम से होता है और कुछ लोगों का नाम दूसरों को बदनाम करने से होता है। कैरेम नाटी, आई लव योर रोस्ट ब्रो। तो चलिए दोस्तों, अब अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं। और अगली न्यूज कैरेम नाटी की तरफ से। कैरेम नाटी कल अपने सेकंड चैनल में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे एंड वहाँ पे उन्होंने बताया कि उनका न्यू वीडियो कब आने वाला है। तो चलिए मैं आपको वीडियो की छोटी सी क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो भी 4 महीने बाद आएगी क्या? नहीं नहीं नहीं, अब भाई हर किसी में इतना थोड़े ना करेंगे। नेक्स्ट वाली का मैंने सोचा हुआ है मैं क्या बनाऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली गेम प्ले वाली होगी, मेरा बहुत मन कर रहा है वाली वीडियो बनाने का। तो चलिए दोस्तों, अब अगली न्यूज के बारे में बात करते हैं। और अगली न्यूज पारस ऑफिशियल एंड निनोंग एरिंग की तरफ से। निनोंग एरिंग का इंटरव्यू आउट हुआ है अरुणाचल 24 न्यूज चैनल पे एंड उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पारस ने क्या क्या गलतियां की। तो चलिए मैं आपको स्टूडियो की छोटी सी क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। उनका जो लड़का का पारस का जो हमारे खिलाफ वो बोल रहे हैं वो ठीक है, इफ इट्स एन इंडिविजुअल लेवल आई डोंट माइंड, मैं बुरा नहीं मानता। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने पूरा अरुणाचल को उन्होंने लिखा, हमको चिंकी आइस कहते हैं, हमको चिंकी बोलते हैं, हमको एक चीनी कहते हैं, ये एक बहुत गलत मैसेज गया हुआ है थ्रू आउट द कंट्री, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया बोल के। तो इसके खिलाफ मैंने प्रधानमंत्री को लिखा था चिट्ठी, इसलिए लिखा था क्योंकि इसमें जो क्राफ्टन है ये कोरियन कंपनी है, ठीक है, और जो टेंसेंट जो है ये इट वॉज चाइनीज कंपनी, ये उन लोगों को डाइवर्ट कर देते हैं, एडिक्टेड कर देते हैं और इट इज़ जस्ट लाइक अ ड्रग। एक बार आप एडिक्टेड होने के बाद रात भर नहीं सोते हैं, पढ़ाई भूल जाते हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना सा ही। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।